हमेशा खुश रखे। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है ईद स्पेशल रस मलाई, और ये बहुत इजी है, बहुत ही कम टाइम में बनती है। गोश्त खा खा के जो है बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है अक्सर, ईद का सीज़न है मतलब, तो जो है उसके लिए कुछ डेजर्ट भी ज़रूरी होता है, तो रस मलाई जो है वो बेस्ट है और ये बहुत ईजी है। ये मैं ड्राई मिल्क की बनाने जा रही हूँ और जो है इसके लिए आपने मेरी फुल वीडियो मस्ट वॉच एंड तक देखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो जो ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे पहले आपने लेना है 1 लीटर मिल्क और उसको आपने बॉईल करना है, जिसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑफ शुगर। शुगर ऐड कर देंगे, अब इसमें डालेंगे 4 से 5 इलायची जिनको हमने खोल लिया था, दूध के अंदर आपने डालनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिए ड्राई फ्रूट्स, जिनमें हमने ले लिया है बादामों को, पिस्तैक्यू यानी कि पिस्ता को, और ले लिया यहाँ पे हमने छोटी इलायची। तो अब हाफ जो है हम अपने बॉइल्ड मिल्क में डालेंगे और हाफ जो है हम बाद में रस मलाई में डालेंगे। ये देखिए इसमें 1 बॉइल आ चुके हैं, तो इसमें यहाँ ऐड कर देंगे अपने ये ड्राई फ्रूट्स हाफ और इसको मिक्स कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर ज़ाफ़रान, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इससे कलर भी चेंज हो जाता है। और ये देखें अब हम इसको लाइट फ्लेम पर हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, इसने ठीक होने तब तक। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जिससे हमने रसमलाई की बॉल्स बनानी है, उसमें यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि मैंने नीडो का लिया है, वो बेस्ट होता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फ्लोर, हाफ टी स्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर, और अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून घी, ठीक है, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पर ले लिए इलायची के दाने, और अब हमने जो है इसको नीट करना है, और थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर एग डाल के इसको एग से नीट करना है यानी कि गूंदना है। ये देखिए बॉल्स के लिए जो डो है वो बिल्कुल नीट हो चुकी है, और अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है हम सारी बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए ये बॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं, कम्प्लीटली रेडी हैं, और अब हम इसको 5 से 10 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। ये जो मिल्क है ये भी फुली प्रिपेयर्ड है, अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए अब हमने फ्लेम जो है वो लाइट कर दी, और अब हम इसमें बॉल्स डाल लेते हैं। ये देखिए, और इस दौरान हमने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, और इसको हमने 5 मिनट्स तक कुक करना है यानी कि पकाना है। रसमलाई फुली प्रिपेयर्ड है, बॉल्स जो हैं वो हमारी राइज हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं, और अब मैं जो है इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रसमलाई को हमने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत अच्छी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।